तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे टाटा स्टील का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मेटल लेवल्स है जो हमें टाटा स्टील कंपनी के लिए ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है वो हमें इस स्टॉक के लिए देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर राइट नाउ अभी फिलहाल के लिए टाटा स्टील कंपनी की, तो इस काउंटर के अंदर भी हमें अभी फिलहाल के लिए जो है वो थोड़ा सा एक साइडवेजनेस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल 145-50 के लेवल से भागते भागते यहाँ पर टाटा स्टील जो है वो कहाँ तक 170 तक आ चुका है। अभी इस हफ्ते में मार्केट में करेक्शन आया है, बट देन टू स्टॉक 170 के रेजिस्टेंस पे है। दैट मींस कि अभी भी टाटा स्टील के अंदर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथ एज इट इज़ देखने को मिल रही है। तो अगर मान लो मार्केट नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव रहता है, देन देर इज़ अ चांस कि टाटा स्टील यहाँ से ब्रेकआउट देकर हमें ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा, एंड फर्दर लेवल्स यहाँ पर जो है वो हमें ऑल टाइम हाई तक के भी देखने को मिल सकते हैं। देखो ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे कि 170 के ऊपर स्टॉक जो है वो और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग पॉजिटिव होगा, और अगर रिजेक्शन आया तो अगेन हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी।